नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और गरीबी खत्म करने को बताया सरकार की प्राथमिकता। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का अहमदाबाद में किया शुभारंभ। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी 3,000 रुपए की मासिक पेंशन। उच्च शिक्षण संस्थानों में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी 200 पॉइंट रोस्टर के पक्ष में केंद्र सरकार। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है संबंधित अध्यादेश। सामाजिक न्याय के लिए हमेशा खड़ी रहने की जताई सरकार की प्रतिबद्धता। घुसपैठ पर रोक के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के धुबरी में किया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परियोजना का शुभारंभ। हथियारों, विस्फोटकों, मादक पदार्थों और पशुओं की तस्करी रोकने में मिलेगी मदद। प्रायोजित आतंकवाद का गंभीर रूप झेल रहा है भारत। दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा का बयान। कहा, आतंकवादियों को समुद्री रास्ते समेत अलग अलग तरीकों से हमले की ट्रेनिंग देने की खबर। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में हो रहे दूसरे वनडे में रोमांचक मुकाबला। टीम इंडिया के 250 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 2 विकेट पर बनाए 100 रन। विराट कोहली ने खेली 116 रन की शानदार पारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के वस्त्राल में प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना लॉन्च की। इस योजना के जरिए दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाले जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की योजना है। इस योजना की घोषणा 2019-20 के अंतरिम बजट में की गई थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस स्कीम के तहत देश भर में असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कामगार जिसकी महीने की आमदनी 15,000 रुपए या उससे कम हो, वो सरकार की पेंशन स्कीम का फायदा ले सकेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी पीएम सीम आप सभी के लिए देश के लगभग 42 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के ही आपको ताज्जुब होगा, देश के 42 करोड़ श्रमिकों कामगारों की सेवा में समर्पित है। और मेरे लिए कार्यक्रम क्या है, अगर मुझे एक वाक्य में कहना होगा तो मैं कहूंगा कि भारत को जिन्होंने निर्माण कर रहे हैं, भव्य भारत के सच्चे जो निर्माता है, ये हमारी योजना मेरे हिसाब से मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के मजदूरों के पसीने का, मां भारती के भाल पर ये तिलक के समान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद की यह ऐसी पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। गरीबी हटाने के नारे खूब लगाए गए, गरीबों के नाम पर वोट बटोरने वालों ने 55 साल तक देश में राज किया, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। भाई और बहनों, आजादी के बाद के इतिहास की यह पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, जिनको अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया था। नारे खूब लगाए गए, राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई,
किसी ने गरीबी हटाने के नारे लगाए, कुछ लोग अपने आप को मजदूरों का मसीहा कहने लगे। इस देश में कई राज्यों में कम्युनिस्टों को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कभी असंगठित मजदूरों के लिए ऐसी योजना नहीं बनाई। इस योजना का ऐलान 1 फरवरी को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए किया था। योजना से जुड़ने के लिए देश भर में कुल 3,13,000 साझा सेवा केंद्र बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ में पान ठेले वाले हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हर माह पेंशन देने की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के कामगार योजना को अपनाने के पात्र होंगे। इससे जुड़ने वाले कामगारों को उनके अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। यदि कोई लाभार्थी 18 साल की उम्र में इस स्कीम में हिस्सा लेता है तो उसे 55 रुपए प्रीमियम के तौर पर देना होगा। 29 साल की उम्र में योजना का हिस्सा बनने पर 100 रुपए मासिक का प्रीमियम देना होगा। 40 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 200 रुपए का मासिक अंशदान करना होगा। ये आपको अपने बुढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं, और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ी है। योजना के तहत पंजीकरण करने वालों को विशिष्ट आईडी नंबर भी जारी किया गया है। इस योजना का फायदा ऐसे मजदूरों को मिलेगा जिनकी महीने की आमदनी 15,000 रुपए से कम है। 15 फरवरी से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष के लोग एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगकर सेना को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई लेकिन देश के कुछ लोगों को लगा सदमा सा लग गया, और प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के धार के विजय संकल्प रैली में ये बातें कहते हुए सभा को संबोधित कर रहे थे। वीर जवानों के लिए भारत माता की। हमारी सेना का जो पराक्रम है उस पराक्रम पर आपको गर्व है? गर्व है? गर्व है? साथियों, आपको लगता है कि हमारे वीर जवानों ने सही किया? पूरे देश को लगता है कि हमने सही किया? अरे, सारी दुनिया ने कह दिया था कि हां, हिंदुस्तान के लिए यही मार्ग था, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हां, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगता है। भाइयों और बहनों, जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों में आरक्षण रोस्टर को लेकर गुरुवार तक अध्यादेश ला सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अध्यादेश कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण रोस्टर बहाल करने को प्रतिबद्ध है और इस संबंध में किसी विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इस संबंध में छात्रों और शिक्षक संगठनों की ओर से सरकार से आग्रह किया गया कि शिक्षक पदों में आरक्षण इकाई के रूप में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट की रोस्टर प्रणाली को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। आरक्षण होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है, और इसलिए
मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूँ और दो दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको दो दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज असम के धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीमा निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। ये परियोजना भारत बांग्लादेश सीमा पर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को पूरी तरह से सुरक्षित करने में सीमा सुरक्षा बल की मदद करेगी। बांग्लादेश से लगी 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा का दायित्व सीमा सुरक्षा बल पर है। विभिन्न स्थलों पर भौगोलिक बाधाओं के कारण सीमा पर बाड़ लगाना संभव नहीं है। धुबरी जिले में 61 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र में बरसात के दौरान निगरानी कार्य काफी कठिन हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इस क्षेत्र में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ से उसकी कई शाखाएं निकलती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने 2017 में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के अलावा प्रौद्योगिकी के जरिए निगरानी का भी फैसला लिया था। ये बोल्ड क्विट सिस्टम जो है बहुत ही एक इफेक्टिव सिस्टम है। जहां फेंसिंग रहती है वहां पर भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को बराबर मूवमेंट पेट्रोलिंग करनी पड़ती है रात और दिन। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी मुसीबत से भी छुटकारा मिलेगा। उसमें थकावट होती है, ज्यादा फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है। अब कहीं किसी निश्चित स्थान पर जो हमारी बीओपीज होंगी वहां पर बैठे होंगे और यहाँ पर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है यहाँ से जो ही जानकारी मिले तुरंत विद इन ए फ्यू सेकेंड उनको सूचना पहुंचेगी और वहां से वो मूव करेंगे। और वही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के धुबरी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कुछ नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। यदि हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो कि नंबर उन्हें बताया जाना चाहिए तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान तो जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का सुखाया। मैंने भाइयों राजनीति इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए। और इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बालाकोट हमले का राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बालाकोट पर दिए गए हवाई हमले को दुर्घटना बताए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा एतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता किसी साजिश के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची है कि सेना का मनोबल कौन कितना गिरा सकता है। ये किस षड्यंत्र के तरफ हो के तहत हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू नो इज ऑल दिस ट्वीटिंग ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। रात में हिंदुस्तान के टीवियों का मैं अभिनंदन करूंगा, वो भी दिखाते हैं पाकिस्तान के टीवी पर क्या होता है, और यूट्यूब पर कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की टिप्पणी वहां हेडलाइन न्यूज है। उस दिन जो ऑल पार्टी मीटिंग किया था इन लोगों ने, जो प्रस्ताव पारित किया था वो पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टीवी पर हेडलाइन न्यूज था। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नेता बेशक राजनीति करें लेकिन जनता का तो असली मतलब होता है अर्थनीति से, यानी वो नीतियाँ जो हमारी जेब पर असर डालें या फिर सुविधाओं में इजाफा करें। कैसा है भारत का आर्थिक वातावरण और क्या है हमारी चुनौतियाँ, सरल भाषा में आपके ये बुनियादी आर्थिक मुद्दे आप तक पहुँचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने शुरू किया है ये खास कार्यक्रम अर्थनीति। भानु अथैया
अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग का दल जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य के दो दिन के दौरे पर है। आयोग ने आज जम्मू में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इससे पहले आयोग ने कल श्रीनगर में राजनीतिक दलों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। फिर सेंट्रल एजेंसीज जो हैं जैसे डीजी इनकम टैक्स इत्यादि और जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे बातचीत हुई। सम रिप्रेजेंटेटिव्स पॉइंटेड आउट दैट द पोलिंग स्टेशंस आर शिफ्टेड एट वेरी लेट स्टेजेस ड्यूरिंग साइटिंग सिक्योरिटी रीजंस एंड कॉजिंग कंफ्यूजन अबाउट द लोकेशन। उनको एक्सप्लेन किया गया कि हालांकि अमूमन पोलिंग स्टेशन ऐसे शिफ्ट नहीं होते, लेकिन जिन इलाकों में कुछ ऐसे हालात हों, शेलिंग के हालात हों या वैसे हालात हों, वहाँ पे कई बार पोलिंग स्टेशन एक बार या दो बार शिफ्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये सब मौके पे मैसर है। और इधर एसपी बीएसपी गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने की औपचारिक घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही हमारे साथ गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की दो सीटें छोड़ी गई हैं। इधर लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अभियान को झटका लगा है। कांग्रेस ने आज ऐलान कर दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित ने खुद इसका ऐलान किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर दिल्ली के नेताओं की बैठक बुलाई थी जिसमें आप से गठबंधन पूरी तरह से नकार दी गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के साथ संथाल की जनता चट्टान की तरह खड़ी है। ये वो भूमि है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी। केंद्र और झारखंड में पूर्ण बहुमत बनने के बाद पता चला विकास कैसे होता है। अमित शाह झारखंड के गोड्डा में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण भारत में 93% घरों में शौचालय की सुविधा है। ग्रामीण परिवारों में 96.5% लोग इसका उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 में 90.7% गांवों में खुले में शौच मुक्त होने की भी पुष्टि की गई है। इन गाँवों को विभिन्न जिलों और राज्यों ने ODF घोषित किया था। ये सर्वेक्षण एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की निगरानी में किया है। ये सर्वेक्षण एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी ने किया और तमाम जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये सर्वेक्षण नवंबर 2018 और फरवरी 2019 के बीच किया गया था, जिसमें देश के सभी राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों के 6,136 गाँवों में 92,040 घरों को शामिल किया गया है। पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों का फॉर्मूला तैयार किया जा चुका है, जल्द ही इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से फॉर्मूले पर राय मांगी थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि देश में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का निर्माण होगा। कोर्ट ने कहा था कि हमने इस सोच के साथ प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि श्रमिकों की आजीविका की रक्षा करने और पटाखे चलाने पर कोई प्रदूषण ना हो, इसके बीच कोई संतुलन बनाना होगा।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कई समाचार पत्रों में प्रहरियों की जाबाजी को नमन नाम शीर्षक से आलेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दर्शन कर मेरे मन में भावनाओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये स्मारक भावी पीढ़ियों के लिए देश के वीर सपूतों द्वारा दिखाए गए वीरता और संकल्प के मार्ग को प्रशस्त करेगा। उन्होंने लिखा है कि आज़ादी के 70 साल के बाद अंततः हम देश के उन अमर बलिदानी वीर योद्धाओं की पावन स्मृति में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित कर सके जिन्होंने भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान किया। इस कार्य के लिए उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद दिया है। ये युद्ध स्मारक 1962 के भारत चीन युद्ध के अमर शहीद सैनिकों, पाकिस्तान द्वारा थोपे गए 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पुण्य स्मृति को समर्पित है। ये स्मारक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों, आपदा राहत के मानवीय मिशनों और आतंकवाद अतिवाद विरोधी अभियानों में शहीद हुए वीरों की पावन स्मृति को भी समर्पित है। भारत एक देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को कहीं ज्यादा गंभीर रूप से झेल रहा है। ये बातें भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में कही। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते पहले ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले का भयावह रूप देखने को मिला। ये हिंसा उन आतंकवादियों द्वारा की गई थी जिन्हें उस देश का समर्थन हासिल है जो भारत को अस्थिर करना चाहता है। एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि हमारे पास ऐसे भी रिपोर्ट हैं कि आतंकवादियों को अलग अलग तरीकों से हमले करने की ट्रेनिंग दी जा रही है जिनमें समुद्र के रास्ते हमला करना भी शामिल है। एडमिरल लांबा ने कहा कि भारतीय प्रशांत क्षेत्र में हालिया सालों में आतंकवाद के कई रूप देखे हैं और दुनिया के इस हिस्से में कुछ ही देश इसकी चपेट में आने से बच पाए हैं। हाल के समय में आतंकवाद जिस तरह वैश्विक हो गया है उससे खतरा और भी बढ़ गया है। एडमिरल सुनील लांबा ने इस समस्या से निपटने के लिए विश्व समुदाय से एक होने की अपील की। विटनेस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इन रीसेंट इयर्स एंड फ्यू कंट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन स्पेयर्ड बाय दिस कॉज। द ग्लोबल नेचर व्हिच टेररिज्म हैज एक्वायर्ड इन रीसेंट टाइम्स हैज फर्दर एनहांस्ड द स्कोप ऑफ दिस थ्रेट। India, however, faces a far more serious version of terrorism, state-sponsored terrorism. You have all witnessed the horrific scale of the extremist attack in the Indian state of Jammu and Kashmir just 3 weeks ago. This violence was perpetuated by extremists aided and abetted by a state which seeks to destabilize India. We also have reports of terrorists being trained to carry out attacks with various modus operandi, including through the medium of the sea. We have seen how quickly terrorist groups evolve across the globe. With the particular brand of terror may well become a global problem in the near future. The Indian security establishment is continuously working to address this menace. It is imperative that the global common community acts in concert to contain and eliminate terrorism in all its forms. पाकिस्तान सरकार के आतंकवादियों के खिलाफ सांकेतिक कार्रवाइयों से भारत संतुष्ट नहीं है। भारत को इस बात के पुख्ता सबूत चाहिए कि आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां रोक दी हैं और उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामले शुरू कर दिए गए हैं। इस बीच आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत नए सिरे से राजनयिक पहल की शुरुआत कर चुका है। इसके तहत भारत ने जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर के खिलाफ डोजियर को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी देशों के साथ साझा करेगा। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के साथ भारत ने अलग से इसे लेकर संपर्क बनाना शुरू कर दिया है। सुरक्षा परिषद में 13 मार्च को जैश सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने पर आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख है। सरकारी सूत्रों का मानना है कि चीन का रवैया इस मामले पर अभी तक सकारात्मक और आतंकवाद के विरोध में रहा है। उसके साथ भी अलग से बातचीत चल रही है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अजहर के वहां होने की बात स्वीकारी थी और उसे जैश के प्रमुख के रूप में ही कहा था। भारत को इस बात पर विश्वास नहीं है कि मसूद अजहर बीमार है। पाकिस्तान महज उसे छुपा रहा है। भारत इस बात पर दबाव बना रहा है कि मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो जो दिखे।
नागपुर में खेले जा रहे दूसरे वनडे में भारत द्वारा दिए गए 251 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट खोकर 126 रन बना लिए हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही टीम इंडिया ने विराट कोहली की शतकीय पारी के बूते ऑस्ट्रेलिया के सामने 251 रन का लक्ष्य रखा। नागपुर में खेले जा रहे 5 मैच की सीरीज के दूसरे मुकाबले में विराट ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपने वनडे करियर का 40वां शतक पूरा किया। विराट के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया। रोहित शर्मा और MS धोनी तो खाता भी नहीं खोल पाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।